हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए मुझे ग्रेट सुन गया आप लोग। तो यार आज हम मोबाइल फॉर्म में जा रहे हैं, ये अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ना पेड़ वगैरह को काट देते हैं, ठीक है, सारा प्लेन कर देते हैं और ताकि अच्छा सा एरिया लगे, ये भी ना लगे कि भाई बहुत बुरा है। तो यही सी बात है, कासल के मालिक हैं, तो ऐसे ही हमें करना चाहिए, हमें हम करेंगे ऐसे। तो आज सबसे पहले देखो यहाँ पे जो खाली जगह है ना, ये सही कर देते हैं। अच्छा, ये सब मैं बता रहा हूँ, इस ये सब मैं बेटे में कर रहा हूँ, दस केयर में जो सर्वाइवल में बहुत टाइम लग जाता है और नहीं हो पाता सही से, और बार बार ऊपर से नीचे गिर के मार भी सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैंने तो बताया हो, तो इसलिए क्रिएटिव में कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें कि क्रिएटिव में कर रहा हूँ। तो मैं करना हूँ क्रिएटिव में तो कर लेना, वरना ये सारा जो करूँगा मैं तुम देख लेना इसी तरह से करना। अच्छा, यहाँ से ना हमने 19 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, ठीक है, और ये यहाँ पे 19 ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे हमने 20th ब्लॉक जो है वो हमने कोई भी एक सॉलिड का रख देना है। ये मैं सारा ख़त्म कर देता हूँ, जैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसे हमने क्या करना है, एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लगाना, शीशे के इसके ऊपर रख देना, बट इसके इर्द गिर्द हमने 4 ब्लॉक लगा देना। अब ये जो मेन जगह है यहाँ पे हमने पानी इसलिए डाले, यहाँ पे सांप भी रहेगा, सांप भी के लिए पानी लाजमी है, वरना स्पॉन हो जाएगा, नहीं मर जाएगा धूप से। अब यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक्स यहाँ पे करना है, और 3 ब्लॉक्स कोई भी 2 साइड रख लेना, कोई इसका कुछ नहीं है कि आपने कौन से 2 साइड 3 साइड रखनी है। ठीक है, मैं ये 3 साइड रखूँगा, फ्रंट में साइड पर रखूँगा ताकि मैं आराम से पे यार इसको भी होना चाहिए, तो इसको साइड कर दें, मैं फ्रंट वो वाली साइड रखूँगा ताकि मेरी क्लासेस नज़र आ जाए। यहाँ पे ऐसे ही 3 ब्लॉक रखने हमने, और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बेड वगैरह लगाने, ठीक है, तो पहले हम बेड लगा देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे जो विलेजर्स हैं जिंदगी भर तक ही करें। अब इसकी जो हाइट हमने रखनी है ना, वो रखनी है 3 ब्लॉक, ठीक है, 3 ब्लॉक पर करने हमने, अब ये 3 ब्लॉक चारों तरफ से कवर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ज़ॉम्बी, अब इसकी बाउंड्री, अब इस वाले की बाउंड्री बनाए ताकि विलेजर्स गिर ना जाए नीचे। तो इसी तरह ये सारा कर लेना, ठीक है, इसकी भी हाइट हमने सेम ही रखनी है जितनी हमने उसकी ज़ॉम्बी वाले की रखी है, बाकी वो सारा काम जो देखेंगे ना वो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह करना है, अगर तुम लोग अपने तरीके से बनाना चाहते हो अपने तरीके से बना सकते हो, बस ये एल्गोरिथम थोड़ा सा देख के ध्यान से अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो गया, अभी मैं तीनों साइडों को कवर कर दूंगा ऐसे ही ताकि सही रहे, कोई भी लीजर वगैरह गिर जाए, बाद में इसके अंदर देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया। अच्छा, फायदा भी मैंने बाद में मुझे पता चला कि इसकी ऑडियो नहीं है, तो एनुअल से हम लोग नेम टैग यूज़ कर लेंगे, नेम टैग हमें नेम लाजमी देना है, उस ज़ॉम्बी को पढ़ना है वो डिस्पॉन हो जाएगा, ठीक है, तो ये लाजमी करना है। अभी मैंने डाल दिया ज़ॉम्बी, अब हम इसको नेम टैग दे देंगे, हिट सब्सक्राइब बटन ताकि कर लो तुम लोग भी। अच्छा, हम दिन कर देते हैं, दिन कर देते हैं, उसके बाद अब हमने जाना है यहाँ पे विलेजेस लाजमी, ठीक है। विलेजेस को और ज़ॉम्बी सर्वाइवल को लाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, एक होता है कि आप कार्ट में लेके आओ, माइन कार्ट में, लेकिन उससे फिर उसके अंदर ला के यहाँ पे जो आ जाएगा अंदर, तो उसको फिर बंद कर दो, ये तरीका होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने 3x7 हमने ब्लॉक्स लगाने, तो ये लगा देते हैं, ओह सॉरी 4 लगा दी, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये 3x7 के एक लाइन आ गई, अब एक वर्टिकल हमने और ऊपर लेके जाना है, तो ये हमारा बनेगा 7x8, हाँ 7x8 बनेगा, तो ये हमने लगा देना सारा। ये कोई भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल नेदर एग ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग क्रिएटिव में घुसे हुए इसलिए, और नीचे मैंने गोल्ड लगाया है, तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो। अब ये हमारा यहाँ पे एल्गोरिथम यहाँ पे इस तरह वर्क करेगा कि यहाँ से आयरन गोलम फॉर्म होगा और नीचे जाएगा, तो हमने यहाँ पे फेंस लगाना ताकि पानी नीचे ना जा सके। अब इस तरह तुम लोगों ने फेंस लगाने, ठीक है, ये फेंस कोई भी लगा सकते हो, मैं बस इसलिए ये लगा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे लेके आना है यहाँ पे, और यहाँ पे बंद कर देना है, यहाँ पे एक गेट लगाना है इस साइड पे, हमने एक बीच में सेंटर में एक गेट लगाना है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग जरा बाउंड्री वगैरह कर लें। कॉर्नर छोड़ देना, कॉर्नर का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं कॉर्नर हटा रहा हूँ, कॉर्नर वगैरह नहीं लगाया, तो मैं वैसे ही फेंस लगा रहा हूँ, ठीक है, फेंस यहाँ तक रखना, इसको इधर तक कर देना, ठीक है, ये तोड़ दो, और ये बीच में यहाँ पे हमें लगाना है गेट, तो गेट लगाने के लिए एक फेंस लगाएंगे, एक गेट लगाएंगे,
फिर वो फेंस जो है वो साइड में तोड़ देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये गेट आ गया, यहाँ से पानी नीचे जाने से रुकेगा। आप हमें यूज़ करो यहाँ पे वॉल्स, साइड वॉल्स जो होती हैं वो यूज़ करो, कोई भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4x4 करूँगा या फिर 3x4 करूँगा, ये देखना। और सेंटर में तुम लोग पैनल भी लगा सकते हो, ग्लास पैनल, क्योंकि उससे ज़रा अच्छा लगता है। आयरन कॉलम को तुम मरते हुए देख सकते हो, जलते हुए देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह तुम लोगों ने करना है। अब सीन ऐसा है कि आप ऐसे ही करते रहो, इस साइडों पे कवर कर दो, और बस यही सीन है। अब इसको कवर कर दोगे तुम लोग तो ज़्यादा बेटर है। और ये यहाँ से ये फूल हो गया। अब यहाँ पे मैं साइड पैनल यूज़ करूँगा, साइड पैनल लगा दूँगा, ठीक है। कोई भी साइड पैनल लगा सकते हो, मैं ट्रांसपेरेंट लगा रहा हूँ, तुम कोई भी कलर्ड वाले लगा सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंट लगा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट हमने लगा दिए हैं यहाँ पे, दो साइडों पे कर दिए हैं। उसके बाद इसके अंदर कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, साइड पैनल कवर कर देंगे, ये अरे देखिए ये और ये कवर हो गया। अब नीचे हम लोगों ने दो चेस्ट लगानी है, और दो चेस्ट लगा के हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हॉपर्स कनेक्ट करने, ठीक है। हॉपर्स कनेक्ट करने के अभी पहले ये कर देते हैं, हॉपर्स इस तरह तुम लोगों ने कनेक्ट कर देने, ताकि वो सारा जो कि आयरन कॉलम अगर मरेगा और आएगा गिरेगा तो यहाँ पे जाए, इधर जाए। बेसिकली अब मैंने यहाँ पे 3x2 कर दिया, आई मीन 3x3 कर दिया, बिकॉज के थोड़ा सा पंगा होता था, 3x2 किया सॉरी। तो अब यहाँ पे तुम लोगों ने साइन बोर्ड ऐसे लगाने, ठीक है, शेप लगा के करना है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने बिल्कुल सेंटर में जाके यहाँ पे तुमने लावा की बकेट को डाल देना है, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अब यहाँ पे एक सेंटर में डालना होता है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने फिल कर देना है। अब तुम्हारा ये आयरन कॉलम फॉर्म जो है वो तकरीबन कम्प्लीट हो गया, इसकी ऐसी तसी पानी हो गया पूरा, ठीक है। हम देख रहे हैं ना, और ये जो जगह ना ये तुम लोगों को पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज के यहाँ से ना कॉर्नर पे जाके आयरन कॉलम फंस जाता है, फंस सकता है। तो यहाँ से ये वाली जो ये देखो जैसे मैं फंस गया, यहाँ से ये दो देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से हमने ये जो सामने के है ना ग्लास ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे हमने इसको तोड़ देना, ताकि विलेजर्स आप आराम से देख सकें। ये देखो हमारा आयरन कॉलम फॉर्म बन चुका है। तो टेक केयर, लास्ट इसको टाटा।